रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय दौरा, करवार और कोची के दौरे पर राजनाथ सिंह। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पटना रायपुर केस की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। अगले दो घंटे में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश की संभावना। भारत में पिछले 24 घंटे में लगाई गई 60.89 लाख वैक्सीन, अब तक 30.16 करोड़ दी जा चुकी है डोज। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 208 अंकों की तेजी के साथ खुला। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति, करते हैं शुरुआत खबरों के साथ। दिन का सीधा सरोकार है आपके साथ। भाजपा ने उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अरुण सिंह को टिकट दिया था। अरुण सिंह को टिकट मिलने पर उन्नाव की रेप पीड़िता ने इस मामले पर बयान जारी कर विरोध किया है। पीड़िता ने बताया है कि उसकी जान को खतरा है। पीड़िता ने कहा, अरुण सिंह उन्नाव रेप कांड आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी है, जिसको लेकर उसकी जान को उसे खतरा है। मैं भाजपा की वारिस हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही है, जिनमें मेरे मुकदमे में पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद हैं, जिनमें मेरे खिलाफ कर रही है, मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे दोषियों को सरकार बीजेपी टिकट वापिस ले ले और टिकट ना दे। ये सारे दोषी हमारे हैं। गैंगरेप में अरुण सिंह है और मेरे पापा की हत्या में भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों को टिकट दे रही है। तो ये सरकार एक तरफ मेरे साथ अच्छा भी कर रही है, एक तरफ मेरे खिलाफ भी कर रही है, गलत कर रही है, दोषियों का साथ दे रही है बराबर। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अरुण सिंह की टिकट वापिस कर ली जाए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, मैं सरकार की सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, कुलदीप सिंह सेंगर केस से जुड़ा ये बड़ा मामला है, अरुण सिंह पर पीड़िता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वो रेप में भी शामिल थे और पिता की हत्या में भी हाथ था, उसको टिकट भाजपा ने दिया है, तो आरोप बड़ा लग रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, कल ही भाजपा ने अरुण सिंह को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद से लगातार जो है चीजें सामने आ रही थी। आज जो है इस पूरे मामले में पीड़िता ने खुद वीडियो अपनी जारी करके और ये मांग की है कि इनके टिकट को रद्द किया जाए और पार्टी पे भी, जो भारतीय जनता पार्टी पे भी जो है पक्षपात का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर देखिए बड़ा मामला है, क्योंकि ये अगर इस मामले की बात करें 2017 में ये मामला है, जिसमें जो है पीड़िता जो यहाँ पे जब थाने पे, गौतमपल्ली थाना जो कि वीवीआईपी एरिया में आता है, वहां पे आके जब उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद ये पूरा मामला खुला था। उसके बाद 2018 में प्रदेश सरकार ने ही सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी और उसके बाद जो है कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पार्टी ने इनको अपने पार्टी से बर्खास्त किया था। लेकिन अब जिस तरीके की ये चीज है कि एक तरफ जो है अरुण सिंह को टिकट दिया जाता है, उसके बाद अरुण सिंह पे जहां पीड़िता जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार विपक्ष के निशाने पे आएगी। जी कीर्ति, मार्तंड, कहीं ना कहीं एक बार फिर निशाने में आएगी, तो क्या अभी कोई रिएक्शन इसको लेकर किसी का आया है,
क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन लिया गया है या ऐसी कोई बात चल रही है इन सब के बाद, जिस तरह से पीड़िता ने चिट्ठी लिखी अरुण सिंह का टिकट वापसी को लेकर? जी देखिए, अभी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से पीड़िता ने अपना वीडियो जारी किया है और पत्र लिखने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पुनर्विचार करेगी। अगर पुनर्विचार नहीं होता है और पीड़िता ने जिस तरीके से टिकट रद्द करने की मांग की है, अगर इसको पुनर्विचार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों को फिर एक मौका मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। और चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है, तो इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। और अगर देखा जाए एक तरह से, तो अरुण सिंह को इस पूरे मामले में, अरुण सिंह आरोपी भी हैं, ऐसा पीड़िता का कहना है कि अरुण सिंह रेप के मामले में भी आरोपी हैं और पिता की हत्या, जो पिता की पीड़िता के पिता की जो थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया था, उसको उनकी मौत हो गई थी, उसमें भी ये आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है और जाहिर तौर पर अगर मामला संज्ञान में आया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार जरूर करेगी। बिल्कुल मारतंड। और इसके अलावा अगर हम इतिहास भी देखें तो ऐसा कहा जा रहा था लगातार कि भाजपा में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज, और ऐसे कई गुना ज्यादा, जिस आंकड़ों की बात करें तो कई ज्यादा गुना में भाजपा में ऐसे लोग शामिल हैं, और उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। जी देखिए, बिल्कुल, अगर ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, अगर आप बात करें जो पूरी राजनीति इस समय, इस दौर की जो राजनीति हो रही है, हर पार्टी में आपराधिक छवि के लोग हैं जिन पे कई गंभीर मुकदमे हैं। चाहे आप मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, तो हर पार्टी में ये चीजें होती हैं। राजनीति का दौर ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे जो है आपराधिक छवि जब तक प्रूव नहीं होता, तब तक उन लोगों को पार्टी टिकट देती है, वो चुनाव भी जीतते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर बात है कि अगर हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं और स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जब तक ऐसे लोग राजनीति में और पार्टियां इनको टिकट देती रहेंगी, तो ये स्वच्छ राजनीति तो कहीं से नहीं कही जा सकती और ना ही ये स्वस्थ लोकतंत्र को बहाल किया जा सकता है इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया मारतंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरुण सिंह को टिकट मिला पंचायत चुनाव के तहत, जिस पर पीड़िता ने इस पर गुहार लगाई है इंसाफ की कि क्यों इस तरह से टिकट दिया जा रहा है जो पंचायत अध्यक्ष का, अरुण सिंह को, जिस पर रेप के मामले के सहित पीड़िता के पिता की हत्या करने का भी आरोप लगा हुआ है। पारस अस्पताल में दम घोटू मॉक ड्रिल मामले में हकीकत जानने के लिए गठित की गई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कमेटी की सत्यनिष्ठा और जांच रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों से आहत होकर कमेटी के चेयरमैन और आईएमए अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। डॉक्टर शरद गुप्ता के जांच कमेटी से अलग होने की जानकारी होते ही आईएमए में हड़कंप मच गया। एसोसिएशन के चिकित्सक दो हिस्से में बट गए हैं। देखिए, ये कोविड काल बड़ा दुखदायी रहा। हर किसी ने अपने परिजन को, रिश्तेदार को, दोस्त को, नज़दीकी लोगों को, पड़ोसी को खोया है, और उनके संग कहीं ना कहीं दर्द रहा कि किसी को समय पर दवाई नहीं मिल पाई, तो बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो इसी क्रम में आगरा में एक वीडियो वायरल हुआ और बहुत बड़ी घटना आई कि इस तरह से हुआ है। तो उसमें डेफिनेटली जब ये एक बहुत बड़ी सुर्खियाँ बनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस पर सरकार ने जांच कराने का एक निर्णय लिया और एक स्थानीय प्रशासन ने अपनी जांच कमेटी बनाई और जांच भी कराई। पिछले 2 दिनों से दैनिक समाचार पत्रों में कई लोगों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया, और जहाँ तक एक सत्यनिष्ठा पर भी आँच आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम शायद सत्यता से जांच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी को बचा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम, मेरी सत्यनिष्ठा ही दांव पे लग जाए और मैं खुद जब जनता की तरफ से फरियाद करता हूं, तो मैं कहीं किसी को ये नहीं चाहता कि कहीं कोई ऐसा ना चला जाए संदेश कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया, जबकि मैं बहुत ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही था कि हम सारे, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाएं, हम बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। आजमगढ़ में घाघरा ने अब डिगिया गेज पर लाल निशान पार कर लिया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई है। मऊ में घाघरा खतरे के निशान के करीब है, जबकि बलिया में जल स्तर स्थिर है। आजमगढ़ जिले में घाघरा का जल स्तर बढ़ने के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। 5 गांवों में 50 मजरों के संपर्क मार्गों पर घाघरा का पानी चढ़ा आया है।
घाघरा के जलस्तर में पिछले 72 घंटे से वृद्धि जारी है। रेगुलेटरों पर पानी का दबाव भी बढ़ गया है, जहां तटवर्ती स्थानों पर कटान शुरू हो गई है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मृतक और आरोपी स्कॉर्पियो चालक दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को बंधक बना लिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनाए गए चालक को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव होता देख पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ को भगाने की कोशिश की, लेकिन संख्या बल अधिक होने के कारण पथराव होता रहा। वहीं इस हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आनंद फाइनल में घटना की जानकारी लगते ही मौके पर आला अधिकारी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों को मौके से खदेड़ दिया। सभी घायल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आज सुबह ये गौरव नाम का बच्चा है, जिसकी उम्र करीब 21 साल है, वो अपने गाँव से निकला था और स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें उसकी डेथ हो गई। इस चूँकि इसी गांव का था, तो गांव वालों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और पुलिस आई। पुलिस ने उसको बचाने का प्रयास किया, उसमें थोड़ा ही पत्थर भी चले हैं, जिसमें हमारे एक दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब मामला शांत है और बात हो गई है, डेड बॉडी यहां से भेज दी गई है, अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। और जो जौनपुर के बदलापुर कस्बे में स्थित गांव के पुरामुकुंद निवासी चिकित्सक सचिन कुमार से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला बदमाश शैलेंद्र यादव के पैर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लग गई। इस दौरान एक दरोगा भी घायल हो गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुठभेड़ में सिगरामऊ थाने का एक दरोगा भी घायल हो गया। बता दी कि कुछ दिनों पहले बदमाश द्वारा चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई थी। जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर अंतर्गत आर्यन क्लिनिक है, जिसके डॉक्टर हैं सचिन कुमार। इनसे 17 जून को मोबाइल नंबर 9044271484 इससे फ़ोन आया कि आपके घर के सामने ही फौजदार प्रजापति की हत्या हो चुकी है, वैसे आपकी भी हत्या हो सकती है, तो इसलिए अगर बचना है तो 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। पहले डॉक्टर साहब ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पुनः 20 तारीख को फोन आया कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इस पर तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसओजी टीम, सर्विलांस और थानाध्यक्ष बदलापुर की संयुक्त टीम लगाई गई। इसी बीच पुनः 22 तारीख को थाना सिगरामऊ अंतर्गत बरैया के प्रधान रामनाथ यादव को भी उसी फोन से फोन आया कि तुमको और तुम्हारे बेटे को यदि बचना है तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए। वहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।